हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। स्नातक सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम 20 जनवरी से शुरू होने वाला है, जो आपका 29 जनवरी 2023 तक चलेगा। तो मैंने अभी एक VKSU आधा ऑफिशियल STResult.com जिस टेलीग्राम चैनल में 109,000 से ऊपर स्टूडेंट जुड़े हैं, यहाँ जुड़ जाइए। नहीं जुड़े हैं तो एक एक कॉलेज का सूचना मिलता है, यूनिवर्सिटी का सूचना मिलता है। तो एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल ने यहाँ पर एक पोल कराया है, 8:57 में देख सकते हैं पोल हुआ है। 1500 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर वोटिंग कर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया था कि आपका एडमिट कार्ड स्नातक सेमेस्टर 2023-27 का डाउनलोड हो गया है। तो मेरा हो गया है सर पर 75%, लेकिन अभी भी 25% छात्र छात्रा का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र कॉल मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं कि मेरा फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, लिख रहा है फॉर्म नॉट वेरीफाई, तो कैसे हम एडमिट कार्ड को अपना डाउनलोड करें। और जिनका एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि रह गया है, गलती हो गया है, तो कैसे सुधार होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले गूगल पर आपको सर्च करना है STResult.com, STRESULT.com, STResult.com। यहाँ से एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट STResult.com को खोल लेना है। देख सकते हैं आपका अपना वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा VKSU वाला। यहाँ से सारा VKSU का अपडेट मिलता है। VKSU वाला सिलेबस से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। Semester 1 एडमिट कार्ड डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Semester 1 एडमिट कार्ड डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक हियर पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से जिनका भी एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि रह गया है, तो यहाँ पर कंप्लेन पर क्लिक करके यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, योर नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जैसे आपको लिख देना है मेरा एडमिट कार्ड स्नातक Semester 1 2023-27 का आ गया है। एडमिट कार्ड में जो भी आपका त्रुटि है, जैसे मान लीजिए नाम गलत है, तो मेरा नाम गलत हो गया है, मेरा एडमिट कार्ड पर प्रदर्शित नाम ये है जो कि गलत है, मेरा सही नाम ये है, इसको सुधार की कृपा की जाए। और फिर आपको 24 घंटा वेट कर लेना है, आपका एडमिट कार्ड सुधार कर दिया जाएगा। यहाँ से जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड किए हैं जिसमें गलती है, उसको यहाँ से अपलोड भी कर देना है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके रजिस्टर योर कंप्लेन पर क्लिक कर देना है। कंप्लेन ID मिलेगा, उसे आप ट्रैक करते रहें। ये तो था त्रुटिपूर्ण रिजल्ट का। लेकिन जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि एग्ज़ाम नॉट वेरीफाई, वो क्या करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप जैसे ही डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करते होंगे, आपका लिखता होगा आपका परीक्षा आवेदन महाविद्यालय द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, कृपया अपने संबंधित महाविद्यालय में संपर्क करें। तो आपको देखिए इसके लिए अपने कॉलेज में जाना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड ये डाउनलोड नहीं हो रहा है दिखाना है, वहाँ पे कॉलेज में जाकर कंप्यूटर रूम में जाना है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाना है। कॉलेज में कहाँ जाना है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। उसको बोलना है कि देखिए हम फॉर्म भर दिए हैं, जो फॉर्म भरेंगे उसका प्रति उसको दिखाइएगा, और वहाँ से ये दिखाइएगा तो वो अपडेट कर देंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाके आपको अपडेट कराना है, फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यही था अपडेट। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।